ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए अपनी स्थिति को शक्तिशाली अव्यक्त बनाना। जिसके लिए बाबा श्रीमत देते हैं अंतर्मुखी रहकर मौन में रहना। व्यर्थ बातों से मुक्त होकर व्यर्थ संबंध संपर्क से मुक्त एकांतवासी होकर रहना है। बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन चलते रहे। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो। मन और बुद्धि के तार परम धाम में परमात्मा पिता से जुड़े रहे। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते एक बाबा की ही याद हो। कर्म करते करावन हार की स्मृति रहे। देह और देही का न्यारापन अनुभव होता रहे। तो अनुभव करें स्वयं को मैं आत्मा निराकार। निराकार सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान। मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मैं आत्मा हूं अजर अमर अविनाशी हूं। स्वयं भगवान के द्वारा सिलेक्ट की हुई
श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा बाप के समान हूं। मैं पांच तत्वों की देह नहीं हूं। देह से न्यारी शिव शक्ति हूं। विश्व कल्याण अर्थ इस धरा पर कल्याणकारी पिता शिव ने अवतरित किया है। मैं फरिश्ता हूं। सर्व आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु हूं। आह्वान करेंगे शिव पिता परमात्मा का। दादी जी के देह रूपी रथ में डायमंड हाल में तो अनुभव करें स्वयं को डायमंड हाल में। मैं आत्मा ब्राह्मण परिवार के साथ संगठित रूप में। मधुबन घर में डायमंड हाल में विराजमान हूं। बाप दादा के रथ दादी गुलजार जी के सम्मुख। आह्वान करेंगे आ जाओ प्यारे पिता शिव निराकार आ जाओ। ब्रह्मा बाप को साथ लिए आ जाओ मधुबन घर में आ जाओ। बाप दादा पूरे ब्राह्मण परिवार का आह्वान सुनकर
दादी गुलजार जी के रथ में पधार रहे हैं। साक्षी हो जाएं, देखें इस अलौकिक सुंदर दृश्य को। परम धाम से निराकार पिता परमात्मा सूक्ष्म वतन में आ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म देह का आधार लेकर इस धरा पर अवतरित हो रहे। देखें दादी जी की दिव्य दृष्टि द्वारा परमात्म शक्तियां पूरे डायमंड हाल में बिखर रही हैं। पूरा वायुमंडल शक्तिशाली बन गया है। पूरा ब्राह्मण परिवार आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गया है। चारों ओर आत्माएं ही आत्माएं चमक रही हैं। स्टेज पर परम आत्मा दादी जी की भ्रकुटी में चमक रही है। निराकार स्थिति में अर्थात बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाएं। देखें अपने सम्मुख निराकार पिता परमात्मा को। समाते जाएं परमात्म शक्तियों को स्वयं में। इमर्ज करेंगे अपने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को। और दादी जी के सम्मुख बैठ परमात्म ज्ञान खजाने को स्वयं में समाएंगे। कोई आवाज नहीं, कोई संकल्प नहीं, निरसंकल्प होकर बैठ जाएं। Thank you.
अच्छा, ओम शांति।